कभी भी नहीं मिल सकेगी ज़कात। ज़कात आती भी है वो अपने जो एमएलए एमपीए होते हैं वो अपने अपने जेबों में भरते हैं, कहते हैं गलियां मनाएंगे वो मनाएंगे लगाते हैं, जो लोग कुर्सियां उठाते हैं जो लोग आगे आते हैं उनको दे देते हैं वो लोग इलेक्शन में वोट लगाए ठप्पे बंदे इकट्ठे करके लाते हैं। क्या हाल है इसका, हाल क्या है? देखें आप फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ फंडामेंटल राइट, क्वालिटी ऑफ क्लीन वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी। सवाल ये है कि ये ऑरेंज लाइन मंसूबा भी बन जाए सीजे साहब के अहकाम है, और साथ 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 ये लोग जो अकोमोडेट नहीं हो पाते जिनको धुतकार चुके हैं, माशरा भी धुतकार चुका है, हुकूमतें भी धुतकार चुके हैं, और इनकी तादाद आपको पता कितनी है? लाहौर शहर के हर चौक चौराहे में आप दादा साहब से शुरू हो, मार रोड पर आ जाएँ, आप लक्ष्मी आ जाएँ, या आप गढ़ी शाहू चले जाएँ, आपको इतनी बड़ी तादाद, यहाँ वो आप चपुर्जी चले जाएँ, आपको इतनी बड़ी तादाद नजर आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। शक नहीं है, मैंने यही अंदाजा लगा लिया है, मैंने सिर्फ यही अंदाजा लगा लिया है, इस मेट्रो के साए तले आज 6 सितंबर है, मैं 6 सितंबर है, मैं बना रहा हूँ वो यौमे दिफाए पाकिस्तान, मैं देखें यौमे दिफाए पाकिस्तान में मना रहा हूँ, लेकिन मैं तो आज यार बेबस हो गया हूँ, मेरी जुबान बस हो गई है भाई, कि ये मैंने यहाँ को 500 के लोग देख लिए हैं इस मेट्रो के साए तले, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंशाल्लाह दरवाजा हम खटखटाएंगे, पहले आपने यकीनन, लेकिन मैं तो अंदाजा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी तादाद है यार, मैं तो आज देखे परेशान हो गया हूं बाखुदा, मुझे इतनी दिक्कत और तकलीफ हो रही है, मुझे इसे कोई ताल्लुक नहीं जो बेच रहा है या क्या कर रहा है, मुझे कंसर्न है इन लोगों से हवाले से कि ये सारे आपके सामने कह रहे थे कि वो अच्छी जिंदगी चाह रहे हैं, बाइज़्ज़त जिंदगी चाह रहे हैं, आज किया जाए हमारा इलाज किया जाए, आज छुट्टी है, आज सुबह से मैं खड़ा हुआ हूँ, 1 बजे तक खड़ा रहा हूँ, कोई काम नहीं मिला, सुबह मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके एक नान और चने खाए हैं, और अभी इस वक्त मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई है कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं खाना खा सकूँ, सर मैं क्या करूँ सर, कहाँ कहाँ से जाऊँ, रात को मैंने नशा करना, अभी मुझे तरोड़क हो रही है, परेशानी हो रही है, मेरी नारे फूल रही है, किसने ये भी तो बताओ ना, परेशान हूँ क्या करूँ जनाब, मैं कहाँ से लाऊंगा, नाम बदनाम, दस कौन ला रहा है, पठान है, ये जो कौन सा डेबो आ रहा है, कौन सी डेबो है समझियो, कुछ नाल ली है पूरे पंजाब की, समझियो हर पिंड हर जगह पाउडर बिकता पे, हर जगह पाउडर बिकता पे, समझियो वजीर मशीर सारे ना ले इन्हें मत्थी मिलती है, अगे वो बंदे पाउडर बेचते पे। क्या हाल है जी, के ये ऑरेंज लाइन ट्रेन ये भी बन जाए लोगों को आसानी से आमदरफ्त भी, जितना भी इस पर लग रहा है जो भी है सीजे साहब के अहकाम भी हैं, और साथ ये लोग भी अकोमोडेट हो सकें। फाद साहब बेसिकली बात तो सिस्टम की है ना, कि एक आपके पास ऐसा मरबूत निज़ाम होना चाहिए जिसके तहत तमाम लोग अकोमोडेट हो सकें। अब जिस हम ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे थे और जिसकी लागत में इजाफे की बात कर रहे थे, और जी हमने बात शुरू की कि वो अब हमारे टैक्सों से जाना है, तो इनके टैक्सों से भी जाना है कि जिनके पास खुद खाने के लिए नहीं है, जब वो भी कुछ चीज़ खरीदते हैं तो अल्टीमेटली सेल्स टैक्स तो पे करते हैं ना, चाहे वो इनकम टैक्स के उसमें नहीं आते, लेकिन सेल टैक्स तो पे कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इनके टैक्सों से ये ऑरेंज ट्रेन बननी है। तो अगर इसका एक मजबूत सिस्टम बनाया जाता कि जिस तरह जो अब हम आके ऐलान कर रहे हैं कि हम दीगर मुल्कों की तरह वो सिस्टम फॉलो करेंगे, तो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें ताकि इनकी जो ज़िंदगी है उसमें आसानी आ सके। देखें एक चीज़, मैं ये लोग अगर सीजे साहब से मिलना चाहें तो ये नहीं मिल सकते यार? देखें मैं सीजे साहब उम्मीद है कि इस हफ्ते को शायद यहाँ लाहौर आएंगे, तो मैं इस प्रोग्राम के आपके प्रोग्राम की सीढ़ी बाकायदा जो है ना इंशाल्लाह एक दरख्वास्त के साथ एक खत तो मैं कल लिख दूंगा, एक बाकायदा सीढ़ी साथ लगा के खत के साथ कोशिश करेंगे कि वो मैं चूँकि तस्वीरें सारी आपने दिखा दी, पोजीशन सारी आपने दिखा दी, तो मैं उनके गोशगुजार ये करूंगा इंशाल्लाह, ताकि ये कोई बेहतरी का मामला हो सके, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर इधर नहीं है, पुलिस इन्हें लेके जाए तो कहाँ रखे, और इनका इलाज जरूरी है सबसे पहले, इलाज नहीं होगा तो थाने में इलाज तो हो नहीं सकता, अस्पताल खुल जाएगा ना वासी, गरीब आदमी से इलाज करने अपना, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा बड़ा लड़का 28 नंबर ड्राइवर सी हो, समझे को नहीं, कैसे मरा है, मेरा पोटर पी गया समझे, टीके लांदा सी, काफी आदमी मर गए हैं, फुटबॉल की तरह मारते, पुलिस को चेक भी करते हैं ना उसको, यूं लात से चेक करते हैं, अल्लाह अकबर, क्या ये कोई कम होगी, लाग लाज कराया, पैर टीके लांदा, गुठे टीके लांदा, समझे को नहीं, यानी आप देखिए ये बुजुर्ग क्या मांग रहे हैं, अस्पताल मांग रहे हैं,
लाहौर जैसे शहर में क्या मांग रहे हैं? अस्पताल। मानी गल कर रहे हैं, समझियो नवाज शरीफ के बंदे मिले पोर्टर मंगाते बाद पठाने तक पहुंच देंगे आ गुफिया दे के पुलिस नाल मिली है नाल देखते हैं नहीं बंद हो सकता है बंद कसम खुदा दी नहीं बंद हो सकता जब तक नवाज शरीफ हुकूमत गढ़ खन्ना खराब होगा समझियो मुंडिया मरदी भी दुनिया है नहीं इतने दमी बाग नहीं ना कुछ साड़ी दर्द रखता कोई रोड ना कुछ शमाल शिदड़े वाले पास सारे रात को आप पी के सुते हैं असं रोटियों आवाजदार की बोतलें ये कोई जैतून की बोतलें या शहद की बात नहीं कर रहा वो ना समझे कौम ये ना समझ ले लेकिन कई बातें उसने वही है कई उसने वही बातें नहीं जैतून की बोतलें और जो शहद पीकर सोते हैं उन्हें क्या पता कि हम बंदे ये देखे जी ये सूरत हाल ऑरेंज लाइन ट्रेन के पुल के तले की सूरत हाल है ये शो शुरू किया था ऑरेंज लाइन के हवाले से और इसके नीचे जो कॉन्सिक्वेंस आपने देखे हैं वो आपको हैरतजदा कर देंगे तो तब्दीली कुछ करके दिखाएं आवाम को आवाम रोए ना आप कुछ करना चाहते हैं आपने धरने दिए हर चीज करी है किसके लिए आवाम पाकिस्तान बदलना चाहेंगे पाकिस्तान बदलेंगे जी सलाम अलैकुम भाईजान सलाम अलैकुम क्या हाल है आपके ठीक ठाक शुक्रिया आप ठीक हैं जी हाँ जी ठीक आप भी इधर ही रहते हैं हाँ जी इधर ही रहते क्या करते हैं आप सर मैं इधर काम करता हूं क्या आज वाक्य हुआ सर ऐसे ही जो रोज तरह की तरह होते रहते वाक्य है सर और सर लड़की का क्या वाक्य नहीं उनके बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन हुई आप क्या कहते हैं इस पे तो इधर तो बहुत ज्यादा सर नशा आए दिन कोई ना कोई लाश पड़ी होती है आए दिन ये मसले मसाइल इधर हो रहे होते हैं वो नशा तो इधर आम बिक रहा सर वो सामने बेचने वाले इधर ही बिकता सुबह के टाइम सुबह वो पैसे लेके जाते हैं और यहाँ तो सर रोज रोज आके देखते हैं हम इधर यही काम हो रहे हैं नशा बहुत ज्यादा आए दिन कोई ना कोई मरा पड़ा होता है आए दिन ये मसले मसाइल चल रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है हमने काफ़ी जगह कंप्लेने की हैं किसी ने आज तक इस पर कोई बात नहीं की हमारी गवर्नमेंट भी जो है ना इस पर कोई एक्शन नहीं है कि कुछ करें ये हमारे जवान भाई जो है ना मर रहे हैं इस नशे की वजह से कोई बात नहीं कर लवारिस छोड़ दिया पाकिस्तान के अवाम को जस्टिस साहब को इस चीज़ का नोटिस लेने की इजाज़त दी कि हम इस चीज़ एक्शन लें इस चीज़ पे ये बहुत काम खराब है जवान नस्ल क्या कह रहे हैं आप हुकूमत नहीं छिड़वाती छोड़ता है कैसे नहीं ये सूरत हाल है जी सर ये जब प्रोवाइड होगा ये जब जितनी देर तक खत्म नहीं होगा ये सिलसिला ऐसे अच्छा साहब मुझे आपके सिर्फ दो तीन मिनट और चाहिए होंगे मुझे आपसे ये पूछना है ये प्रोवाइड होगा यहाँ पे आता है उस सूरत में ये कोई भी नहीं छोड़ सकता इसको चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कुछ इसका बेहतरीन हाल ये है कि ये बिकना बंद हो जाए यहाँ पे ना आए ये खुद ही सब खत्म हो जाता है ये देखे ये हालत दिखा देना जरा ये जरा दिखाइए जी कैमरामैन साहब हालत दिखा दे कैमरामैन साहब जरा दिखाइए क्या पोजीशन है उसकी वो तो बेचारा हिलने से भी गया हुआ है मैं अब क्या कहूँ यार ये मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ यार मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का मैं तो समझता था ये कोई 10-20-15 होंगे यार मैं तो आज बाखुदा देख के ना मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं बात करो लाखों के साथ स्टेशन पे ये खवातीन भी लड़ी है आप दिखा सकते हैं जी खवातीन ये भी पीती हैं नशा करती हैं इंजेक्शन लगाती हैं हाँ और भी आती हैं यहाँ औरतें भी नशा करती हैं बस ज्यादा आगे ना लेके जाएं जी कैमरा खवातीन हैं खवातीन को ना दिखाइए ये ऑरेंज ट्रेन के साइड पे जो सड़कें हैं वहाँ पे गंदगी है ऑरेंज ट्रेन के पिलर के नीचे देखें तो कूड़ा भी दिखाएं कूड़ा भी दिखाएं जी पीछे ऑरेंज लाइन ट्रेन के नीचे आपको अजायब आलम से मिलवा रहे हैं ऐसे ऐसे अजूबे और ऐसे ऐसे मसाइल और नशे से धुत अफराद की दुहाई के खुदारा सीजे साहब हमारे जिंदगियों का नोटिस लें और हमारी जिंदगियां वापस लाने के लिए रोल प्ले करें आज तो आपने देखा कि सीजे साहब को उन्होंने दुहाई दी है बाकायदा नशे के आदि अफराद ने कि वो खुदारा उनका ना सिर्फ नोटिस लें बल्कि उनकी हालत ज़ार जो है उसे बदलने के लिए को रोल प्ले करें देखिए ये वो एरिया था जहाँ शायद तवज्जो नहीं आ सकी हमारे मीडिया चैनल्स भी मैं फिर कहूँगा अपने 55 प्रोग्राम किए हैं देखिए अपना फाद ये क्रेडिट जाता है आपको मुझे आज के प्रोग्राम के बाद बड़ी उम्मीद है कि इस पर इंशाल्लाह सुआज खुद नोटिस लिया जाएगा बाकायदा इनके हवाले से रिहैबिलिटेशन के हवाले से या बाकी मसाइल के हवाले से अवेलेबिलिटी डिसकंटिन्यू करने या जो भी मसाइल यहाँ देखने के हवाले से यानी ठीक है मेट्रो ऑरेंज भी बनना है मगर इनकी जिंदगी आप बचानी है भाई आप सोचें एक बंदा मर जाए कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है 302 का
और ये तो रोजाना 302 है यहाँ, और इनके पर्चे किन के ऊपर दर्ज कराओगे, इनके पर्चे आप किन पे दर्ज कराओगे, बनते तो हुक्मरानों के ऊपर है। ये चाहिए तो यहाँ से आदमी पकड़ कर ले जाते हैं, यानी मन मर्जी करते हैं। यानी वो क्या, वो दो चार जो है ना बेचारा, एक ग्राम दो ग्राम टिकेटियां डालते हैं, वही ना खाना पूरी करनी है ना। जो असल मसला है, जो असल सप्लाई रुक गई, असल बंदे सामने आ गए, कोई सामने नहीं आया, इतना बड़ा माफिया है। हवालात में ले जाकर नशा देते हैं, फिर आठ आठ नौ नौ पर्चे दे देते हैं, रिकॉर्ड बना देते हैं, फिर दोबारा पकड़ते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, कहते हैं जी ये रिकॉर्ड याफ्त है, इस पर और 10 पर्चे दो, फिर बंदा क्या करे, बाहर आके मुझे बताएं। एक एक बंदे पे 100-100 पर्चा होगा मुझे लगता है। आप यही तो शहबाज साहब, सिर्फ इनकी रिहैबिलिटेशन नहीं, पूरे सिस्टम की रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। वो पुलिस बहुत गुजारिश है बड़े अदब के साथ, और मुझे बड़ी उम्मीद है हम भी अपने तय इस वाले मैटर को लेके जाएंगे, इन लोगों की भी उम्मीद। देखें आप अंदाजा लगाएं, हर इंसान की उम्मीद चीज उससे पाकिस्तान है, अकेला इंसान और साथ 18 जजेस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, इतनी उम्मीदें और पूरे पाकिस्तान का बोझ, डैमों तक तो आपको देखे डैम नहीं बना सके, साफ पानी मिल सका नहीं, अस्पताल में सहूलियत नहीं मिल सके, बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं मिल सकी, अब ये एक शोभा रह गया था कि नशा भी ठीक नहीं कर सके, और ये भी उम्मीदें किससे लगाई बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। ये टू बनने का मकाम है सियासतदानों के लिए, एग्जेक्टिव के लिए, कि यार खुदारा क्यों, यानी आज आपको नजर नहीं आता था रोजाना सियासतदान यहीं से गुजरता है, इस सड़क से रोजाना एक आपका ब्यूरोक्रेसी भी गुजरती है, सारे लोग गुजरते हैं, और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी तरफ से इस मुल्क को, हालांकि हम किसी काबिल नहीं है, हमारी हालत देख लें, हमारी सिचुएशन देख लें, ये एक जख्म है, मुझे ठीक कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस मुल्क को हमारी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, कसम खुदा की पैदा करने वाले की हमारी जान भी हाजिर है, हम जान भी दे देंगे, मगर चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे। गरीबों के लिए धारा खुला था वो भी बंद कर दिया, आमर चिश्ती खुला था वो भी बंद कर दिया इन्होंने, पैसे लेते रहे, छोड़ दो, पैसे ले रहा था, पेट्रोल रहा था, अंदर नशे में, वो अंदर डंडे मारते थे, अंदर बेलचे मारते थे। चीफ जस्टिस साहब को, वो जब कटहरे में उसका मालिक खड़ा था, तो चीफ जस्टिस साहब को प्रोग्राम तमाशा का एपिसोड दिखाया गया जिसमें हमने आमिर चिश्ती सील किया था और फिर उसे इन प्रिजन किया गया। देखे ना, यही यानी ये क्यों मौका बना एक प्राइवेट आदमी को, ये आपके स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, स्टेट ये जिम्मेदारी नहीं, ये मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट पे तबाही करनी है तो ये हुकूमत ने, किसी पे हमारे को उम्मीद नहीं है, खाली चीफ जस्टिस पे हमारे को उम्मीद है, वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं ना, इमरान खान ये वो कुछ नहीं, हमारे बच्चे की तरफ या किसी बड़े की तरफ या किसी अमीर की तरफ या किसी गरीब की तरफ, तो ऐसा लगता है जैसे कहीं से कोई फरिश्ते की रहम आ रहा हो, जैसे कोई किसी की मदद करने आ रहा है, उनका देखना इतना अच्छा है, मैंने उनके एक दो प्रोग्राम देखे हैं, देखा नहीं जाता, मेरे दिल ने कहा है कि ये इंसान वो है जो सबकी मदद करना जानता है। आप अंदाजा लगा लें, यानी इतनी कहना है कि आपकी मेहरबानी, हम गरीबों का कुछ सोचें, हम सब मर जाएंगे, दोबारा नहीं आ सकेंगे, हम आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको। आप कुछ कह रहे? मैं कह रहा था कि इन लोगों को मेट्रो चाहिए, रोड चाहिए, ये पार्कें चाहिए, हमारी जिंदगी के बारे दर्द नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी इन लोगों को नहीं अच्छी लगती, हम गरीब लोग जो फंस चुके हैं, हमारा खुदा है रहा, कोई हमारा वो लोग जो नशे में धुत रहते हैं, वो भी कहते हैं कि इस मुल्क के लिए अगर किसी को जरूरत है तो हमें यूटिलाइज करें, वो लोग भी सीजे साहब से, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से दुहाइयां दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी उनकी तरफ देखा जाए बल्कि उनके मसाइल को हल किया जाए, और गुर्बत का ये आलम है इनके पास कि इन्होंने नशा भी पूरा करना है, खुराक भी पूरी करनी है, धुतकारे हुए लोग हैं। फहद शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।